सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? भाई हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने फ़ोन को फास्ट चार्ज कर सकते हो, जल्दी चार्ज कैसे कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों आप में से काफ़ी सारे लोगों ने कमेंट किया था, बोला था कि हमारा फ़ोन काफ़ी स्लो चार्ज होता है, फुल चार्ज होने में लंबा टाइम लग जाता है। आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिनको आप यूज करके आप अपने स्मार्टफोन को, एंड्रॉयड फ़ोन को 1 से 1.5 घंटे में फुल चार्ज कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हम अपने फ़ोन को चार्ज पर लगाते हैं, फुल चार्ज होने में 5 से 6 घंटे का लंबा टाइम लग जाता है और हमें समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जब हम नया नया फ़ोन खरीदते हैं तो उस टाइम पर हमारा फ़ोन जल्दी चार्ज होता है, जैसे जैसे फ़ोन यूज करने लगते हैं तो दोस्तों हमारा फ़ोन काफ़ी लेट चार्ज होने लगता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको जो ट्रिक्स बताने वाला हूँ बिल्कुल जेन्युइन ट्रिक्स बताऊंगा, इनको आप यूज करके आप एक्चुअल प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सकते हो, आप पता कर सकते हो कि आखिर एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पर है, डेटा केबल में है, एडाप्टर में है, फ़ोन में है, आखिर प्रॉब्लम है कहाँ पर। और दोस्तों जब आपको एक बार प्रॉब्लम का पता चल जाएगा तो आप बहुत ही आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हो और दोस्तों आपका जो फ़ोन है वो काफ़ी फास्ट चार्ज होने लगेगा। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ज़रूरी है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। और गाइस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने स्मार्टफोन को, एंड्रॉयड फ़ोन को फास्ट चार्ज कर सकते हो, जल्दी चार्ज कर सकते हो। ठीक है यार, सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, जब हम अपने फ़ोन को चार्ज पर लगाते हैं तो काफ़ी सारे फीचर्स को ऑन करके रखते हैं। ठीक है, ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, लोकेशन हो गया, दोस्तों हम इन सब चीज़ों को ऑन करके रखते हैं जिससे हमारा फ़ोन काफ़ी स्लो चार्ज होता है। जब भी आप अपने फ़ोन को चार्ज पर लगाओ दोस्तों आपको ब्लूटूथ को, वाईफाई को, जीपीएस को हमेशा ऑफ करके रख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप इन सब को ऑन करके रखोगे और अपने फ़ोन को चार्ज करोगे आपका फ़ोन काफ़ी लेट चार्ज होगा, स्लो चार्ज होगा। ठीक है, इसके बाद आपको कैसे चेक करना है कि आखिर एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पर है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है एम्पियर, आपको यहां से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, 4.2 की काफ़ी अच्छी रेटिंग है, 10 मिलियन से भी ज़्यादा बार ये एप्लीकेशन इंस्टॉल किया जा चुका है, तो ऑलरेडी मैंने इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रखा है। आपको इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। ठीक है, इसके बाद आपको आई एग्री करना है। ठीक है, अब दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। ठीक है, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। अब आपको अपने फ़ोन को चार्जर से कनेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चार्जर को कनेक्ट कर दिया, अब आपको कुछ सेकंड वेट करना होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो मेजरिंग स्टार्ट है। अब दोस्तों आप यहाँ पर चार्जिंग पावर देख सकते हो कि आखिर कितना मिली एम्पियर पावर हमें मिल रहा है इस चार्जर से। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो मिनिमम 300 मिली एम्पियर, मैक्सिमम 1300, 1600, 2500, 3100, यहाँ पर आप देख सकते हो पावर बढ़ रहा है। ओके, यानी इस चार्जर से काफ़ी अच्छा पावर हमारे फ़ोन को मिल रहा है और हमारा फ़ोन काफ़ी फास्ट चार्ज होगा, जल्दी चार्ज होगा। ठीक है, अगर दोस्तों आपको यहाँ पर पावर कम मिल रहा है, ठीक है, तो आपको डेटा केबल को चेंज करके चेक करना है कि आखिर कौन से डेटा केबल से कितना पावर आपको मिल रहा है। ठीक है, और दोस्तों जिस डेटा केबल से, जिस चार्जर से आपको ज़्यादा पावर मिले, ठीक है, आपको हमेशा उसी चार्जर से अपने फ़ोन को चार्ज करना है। ठीक है, आप इस तरह बहुत ही आसानी से प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हम अपने फ़ोन को चार्ज पर लगाते हैं, 5 से 6 घंटे लग जाते हैं फुल चार्ज होने में, और दोस्तों हमें पता नहीं होता कि आखिर हमारा फ़ोन क्यों स्लो चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह आप इस चीज़ को पता कर सकते हो। अगर पावर कम मिले तो सिंपली आपको डेटा केबल को चेंज करके देखना है। दोस्तों आपके घर में काफ़ी सारे चार्जर होंगे, ठीक है, एक एक करके आपको सभी चार्जर को यूज करना है, इस एप्लीकेशन को ओपन करना है, चार्जर को कनेक्ट करना है, आपको देखना है कि कौन सा चार्जर ज़्यादा पावर दे रहा है। ठीक है, और दोस्तों उसी से आपको अपने फ़ोन को चार्ज करना है, आपका फ़ोन काफ़ी फास्ट चार्ज होगा। ये जो तरीका है चेक करने का काफ़ी अच्छा तरीका है। आप यहाँ पर स्टेटस देख सकते हो चार्जिंग का,
लेवल देख सकते हो, बैटरी हेल्थ देख सकते हो, टेक्नोलॉजी देख सकते हो, टेम्परेचर कितना है, वोल्टेज कितना मिल रहा है, पूरा डिटेल आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आप इस तरह प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, अगर जैसे आप ये वाला डेटा केबल देख सकते हो, अगर हम इसको चेक करेंगे, अगर हम इसको कनेक्ट करेंगे तो दोस्तों पावर हमें डिफरेंट मिलेगा। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं। तो दोस्तों हमने डेटा केबल को चेंज कर दिया। ठीक है, अब आप यहां पर देख सकते हो मेजरिंग हो रहा है, यहां पर आप देख सकते हो हमें कितना पावर मिल रहा है, 540 मिली एम्पियर। इसका मतलब यह है कि ये जो डेटा केबल है ये भी अच्छा है, क्योंकि आप पावर देख सकते हो बढ़ चुका है। स्टार्टिंग में पावर काफ़ी स्लो मिला, ठीक है, काफ़ी कम मिला, लेकिन अब आप यहाँ पर देख सकते हो पावर 2960 मिली एम्पियर मिल रहा है। ओके, तो दोस्तों इस तरह के डेटा केबल को आपको यूज करना है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह आप चेक कर सकते हो कि आखिर एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पर है और दोस्तों आपको कैसे ठीक करना है आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो यार, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।